देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को लागू हुए एक साल हो गया है। टैक्स अधिकारियों के लिए पिछला एक साल कैसा रहा, यह जानने के लिए मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की मुंबई में जीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर केएन राघवन से। एक फर्स्ट ईयर हमेशा तो मुश्किलें पड़ेगा, डिफिकल्ट है, चैलेंजेस भी था, लेकिन एक साल में काफ़ी स्टेबिलाइजेशन भी हुआ है। जो पहले वो रिटर्न भरने के काफ़ी परेशानी थे, तो GSTR 3 भी रिटर्न अभी वो स्टेबल हुआ है, GSTR 1 भी स्टेबल हुआ है। अभी तो एक नया रिटर्न तो कमिटी के आगे है, वो GST काउंसिल फाइनलाइज करना है नया रिटर्न। तो नया रिटर्न भी आने के बाद वो रिटर्न के बारे में क्योंकि प्रश्न थे वो लार्जली बाय एंड लार्ज सॉल्व हो जाएंगे। और कंप्लायंस के बारे में भी पहले वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी मुश्किलें थी, लेकिन अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। काफ़ी चैलेंजेस थे, एक एस्टैब्लिश सिस्टम से दूसरे नए सिस्टम जाने से काफ़ी डिफ़िकल्टीज थे, और टैक्स बेस भी ब्रॉड हुआ है। अभी टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है, तो एक साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस बाद में भी आएंगे, तो चैलेंजेस फेस करने के लिए हम भी गियर्ड हैं। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंप्लायंस बढ़ेंगे, तो किस तरीके से कंप्लायंस बढ़ेंगे और क्या उस कंप्लायंस से निपटने के लिए इतना मैन पावर है आप लोगों के पास? ठीक है, IT डिपेंडेंट सिस्टम है, तो IT डिपेंडेंट सिस्टम में मैन पावर का ज़रूरत ऑप्टिमम है, वो एक। और दूसरा, कंप्लायंस बढ़ेंगे कि जो GST नेटवर्क नहीं है तो उनको तो नेटवर्क का एडवांटेज नहीं मिलेंगे, तो उनके इनवॉइस पे क्रेडिट नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी ट्रेडर्स और सप्लायर्स को GST नेटवर्क के आने का एडवांटेजेस देकर वो आएंगे, अपने आप आएंगे। और तो थोड़ा एंटी एवेशन एक्शंस भी होगा, तो इसके बारे में जो एवेट करते हैं वो अपने आप आकर टैक्स भरेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड टफ स्टैंड विथ रिगार्ड टू एवेडर्स दैट लील रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन।